हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रिक सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 11। मतलब अगर हमें किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो अभी तो हम इसमें मेथड सीखेंगे। जब आप मेथड सीख जाएंगे तो और कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आप ये मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, आपको पेन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा उस टाइम पर। तो पहले मेथड सीख लेते हैं। क्या मेथड है? मेथड ऐसा है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास है 1, 2, 3, 4, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 11 से। ठीक है, तो क्या करो, इस तरीके से एक ज़ीरो इधर पुट कर दो और एक ज़ीरो इधर पुट करो। ठीक, तो इस वाले को, इन दोनों डिजिट को ऐड करो, मिलेगा 4। इन दोनों डिजिट्स को ऐड करो, मिलेगा 7। इन दोनों डिजिट्स को ऐड करो, मिलेगा 5। इन दोनों डिजिट्स को ऐड करो, 3। और इन दोनों डिजिट्स को ऐड करो, 1। सिंपल सा ये इसका आंसर हो गया, 13574। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू फोर सिक्स टू मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो क्या करेंगे, एक ज़ीरो हम आगे रख देते हैं और एक ज़ीरो हम पीछे। ठीक है, इन दोनों डिजिट्स को ऐड करो, 2। इन दोनों डिजिट्स को ऐड करो, 8। इन दोनों डिजिट्स को ऐड करो तो 10 होगा। कैरी एक आगे जाएगी हाँ। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और एक ये कैरी थी 7। इन दोनों को ऐड करो तो 2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 27082। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। 4942। ठीक है, तो एक ज़ीरो हम पीछे लगाएंगे और एक ज़ीरो हम आगे लगाएंगे। इन दोनों को सिंपली ऐड करते हैं, 2। इन दोनों को भी डायरेक्टली ऐड करेंगे, कितना मिलेगा, 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 13 और एक कैरी है, कैरी आगे। फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा और एक ये 14 कैरी। 0 और 1 को ऐड कर, 0 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 और एक कैरी थी 5। सिंपल सा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 8, 9, 4, 2, 6, 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 11 से, तो एक ज़ीरो पीछे लगाएंगे और एक ज़ीरो आगे लगा देते हैं। सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो, 7। इन दोनों को ऐड करो, 13 कैरी आई एक। इन दोनों को ऐड करो तो 8 और एक ये 9। इन दोनों को ऐड करो तो 6। इन दोनों को ऐड करो तो 13 कैरी एक। इन दोनों को ऐड करो तो 17 और 17 1 18 एक कैरी आ गई। इन दोनों को ऐड करो कितना मिलेगा, 8 और एक कैरी थी 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 9836937। ठीक है, बड़ा ही सिंपल मेथड था। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 12। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।